स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रेनी सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है और इस बारिश के मौसम में कुछ ऐसे प्लांट की दोस्तों कैटेगरी है जो हम हमारे गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आज इसके बारे में ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं। ऐसा ही एक पौधा दोस्तों जिसे हम फुटबॉल लिली के नाम से पहचानते हैं और ये इसका फ्लावर है दोस्तों इतना खूबसूरत होने के साथ ये साल में एक आध बार ही दोस्तों देखने को मिलता है, वो भी बारिश के सीज़न में ही। तो इस पौधे को भी दोस्तों हम गार्डन में ऐड कर सकते हैं, वो भी दोस्तों बारिश के सीज़न की शुरुआत के साथ या तो दोस्तों गर्मियों के सीज़न के एंड में भी ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे की दोस्तों आप बल्ब से इस पौधे को हम ग्रो कर सकते हैं। इसका बल्ब है दोस्तों आपको नर्सरी से भी मिल जाएगा। इस तरह के प्लांट दोस्तों आपको नर्सरी से भी रेडीमेड भी मिल सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों कहीं से बल्ब मिल जाए तो आप इसे गर्मियों के एंड के सीजन में या तो पहली बारिश के साथ भी ग्रो कर सकते हो। दोस्तों इसका फ्लावर है वो तकरीबन 15-20 दिनों तक रहता है। उसके बाद की दोस्तों मैं दूसरे प्लांट की बात करूँ तो ये है दोस्तों रेन लिली का पौधा और अभी थोड़ी देरों पहले ही दोस्तों अच्छी खासी बारिश हुई है। आप देख सकते हो कि इसके फ्लावर है वो भी काफ़ी सारे भीग गए हैं और दोस्तों ये पौधा भी ऐसा ही है जो बारिश के साथ हम इसे ग्रो कर सकते हैं। और ये भी दोस्तों यदि आपके पास पुराने बल्ब पड़े हो या तो दोस्तों नर्सरी से हेल्थी बल्ब मिल जाए तो पहली बारिश के साथ भी इस तरह के पौधे हैं हम ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हो कि फ्लावर के जाने के बाद इस तरह के इसके सीड है वो तैयार हो जाते हैं और ये तैयार सीड पकने के बाद दोस्तों हम इसे बारिश के सीजन में ग्रो कर सकते हैं। ये जो वेराइटी रेन लिली की है दोस्तों वो एक से ज़्यादा कलर में आपको देखने को मिल जाएगी, खास करके इसके जो फ्लावर की मैं बात कर रहा हूँ तो ये एक से ज़्यादा कलर में आपको देखने को मिल जाएगा और बारिश का सीज़न इसके लिए बेस्ट होता है। उसके बाद तीसरे पौधे की मैं दोस्तों बात करूँ तो ये वैसे तो दोस्तों आपको एवरग्रीन पौधा होता है, पूरे साल है वो दोस्तों इस तरह के पौधे हम ग्रो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बारिश का सीज़न एक ऐसा सीज़न है जिसमें हम बहुत ही कम केयर के साथ इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं और इजीली ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये पौधा है वो कटिंग से और सीड से दोनों से ग्रो किया जा सकता है। और ये पौधे में भी दोस्तों इसके जो फ्लावर आप देख सकते हैं ये इसके कलर से दोस्तों एक से ज़्यादा कलर में इस तरह के पौधे वो हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसकी एक विशेषता ये भी है दोस्तों कि ये एक बार लगा दिया जाए तो सालों साल चलने वाला पौधा है, क्योंकि इसके सीड है दोस्तों फ्लावर जाने के बाद इसमें से सीड तैयार होते हैं और वो पकने के बाद दोस्तों जहाँ पर भी गिर जाए वो ज़्यादातर पौधे है वो बन जाते हैं। तो आप चाहो दोस्तों तो सीड से भी ग्रो कर सकते हो और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। तो इसमें फलियां लगती है इस फ्लावर जाने के बाद, अभी ये कलियां है दोस्तों, कलियां के बाद इसमें फूल बनेगी और फूल जाने के बाद दोस्तों इसमें से फलियां बनेगी और फलियां में ही छोटे छोटे सीड होते हैं जिससे हम आसानी से और पौधे है वो तैयार कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसका डोरमेटरी पीरियड है वो विंटर का है, सर्दियों के मौसम में इसमें फ्लावर है वो कम बनते हैं। लेकिन यदि आपको अच्छे खासे फ्लावर चाहिए तो कुछ समय पहले इसे ग्रो कर दे गर्मियों के एंड के सीजन में। और उसके बाद की मैं बात करूं दोस्तों तो ये तो दोस्तों आपको पता ही है इस तरह के पौधे हैं वो खुशबू से तो भरे ही होते हैं, लेकिन बारिश का सीज़न होता है वो इसके लिए आशीर्वाद रूप सीज़न होता है, क्योंकि ये है दोस्तों मोगरे का पौधा। और मोगरे में दोस्तों एक से ज़्यादा वेराइटी आपको देखने को मिल जाएगी, इसे जासमीन की कुछ और भी वेराइटी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब देसी है और इंग्लिश वेराइटी दोनों देखने को मिल जाएगी। लेकिन देसी में दोस्तों खुशबू इसके फ्लावर की हो एक से आपको बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी, जबकि इंग्लिश वेराइटी में कुछ वेराइटी ऐसी होती है जिसमें फ्लावर में इतनी खुशबू नहीं होती है। ये भी दोस्तों कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और दोस्तों ये नर्सरी से या तो रोड सड़क के किनारे जो बेचने वाले होते हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। छोटा प्लांट लोगे दोस्तों तो भी बारिश के सीजन में अच्छे खासे ग्रोथ में आ जाएगा, 2-3 मंथ में ही दोस्तों। तो ये भी ऐड करने लायक पौधा है। उसके बाद की मैं दोस्तों पौधे की बात करूँ तो ये है दोस्तों एक्जोरा का प्लांट। और एक्जोरा का प्लांट दोस्तों इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी डिटेल में भी वीडियो बनाई है जो आप मेरी चैनल में जाके भी देख सकते हो। तो ये पौधे की भी दोस्तों खास ये विशेषता है कि ये एक से ज़्यादा कलर में इसके फ्लावर है और देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक्जोरा की एक और भी वेराइटी आती है जो छोटी वेराइटी होती है, ये है दोस्तों बड़ी वाली वेराइटी है।
तो इसकी हाइट है वो दोस्तों छोटी होती है और बड़ी होती है, दो वेराइटी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन सेम दोस्तों प्रोपोगेशन है, इसको ग्रो करने का मेथड है वो सेम ही होता है। आप कटिंग से दोस्तों आसानी से ग्रो कर सकते हो, वो भी दोस्तों बारिश के सीजन में, और इसे एयर लेयरिंग भी किया जा सकता है दोस्तों। और इसके दोनों वेराइटी में एक से ज़्यादा कलर है वो देखने को मिल जाते हैं। छोटी वेराइटी तो दोस्तों कभी कभार हम बोनसाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी विशेषता है, एयर लेयरिंग बनाने के लिए भी अभी ये बेस्ट टाइम होता है दोस्तों। जो बारिश का सीजन होता है उसमें आसानी से दोस्तों और मौसम के मुकाबले हम ग्रो कर सकते हैं नए पौधे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।